जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है और ये कटोरा भी हमने अच्छे से फिट कर लिया है। और इसका जो है सेकंड पार्ट आप अगर नहीं देखे हो तो देखिए, उसमें मैंने पूरा जो गेयर बॉक्स की प्रॉपर सेटिंग होती है वो सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है। और ये हमारा तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम पिस्टन की कंप्लीट सेटिंग करेंगे और अच्छे से इसे जो है सेटिंग करके लगाएंगे। और उसके बाद आप पिस्टन में जैसा कि देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी जो है अलग अलग क्वालिटी की आती है और जो ओरिजिनल होती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, जो नॉर्मल पिस्टन आप जैसे यूज करते हो और जो ओरिजिनल होती है जो वियतनाम या फिर होंगटंग के नाम से आती है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले चीज आप देखिए, जो इसका ऑयल होल्डर है उसमें एक छोटा सा बूस लगा हुआ है जो कि नॉर्मल पिस्टन में नहीं लगा होता है, तो एक पहचान इसकी ये है। और सेकंड चीज आप देखोगे कि इसमें जो रिंग्स लगी हुई है, एक रिंग जो है लगी हुई है जो कि ओरिजिनल की पहचान होती है, और ये वेल्डिंग करके लगाया हुआ है। और जो नॉर्मल होती है उसमें कोई वेल्ड नहीं होता, वो एक सीधे कॉम्बिनेशन के साथ में होता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, जैसा कि ये नॉर्मल पिस्टन है तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो है नॉर्मल एक लेंथ में इसे तैयार किया जाता है, इसमें कोई वेल्ड वगैरह अलग से जो है पट्टी नहीं लगी हुई है और ये एक साथ में ये फिक्स है, लेकिन इसे वेल्ड करके अलग से लगाया गया है, तो ये ओरिजिनल की पहचान होती है, इसे आप ध्यान रखें। और ये जो है डुप्लीकेट होती है, मतलब उतना कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें नहीं होता, ये टेम्पररी यूज़ के लिए होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और ये जो पिस्टन है काफ़ी आपको महंगा मिलेगा, 1700 1600 1700 के आसपास ये पिस्टन आपको मिलेगा, और ये नॉर्मल 1000 1200 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। तो इसका पूरा सेटिंग जो है, सबसे पहले हम लाइनर का जो सिलेंडर होता है उसे अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डाल दें ताकि आपको समय में अगर चेंज करना हो तो ये आसानी से खुल जाए। सबसे पहले आपको ये सामने का पोजीशन जो है इसे कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको ये कप होल्डर जो है लगानी है। ये कभी भी आपको जो है पूरी टाइट नहीं करनी है, ये नॉर्मल जो है आपको रखना है, बोल्ट जो है नॉर्मल टाइट में होनी चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि हमारा जो पिस्टन सेटिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको एक खाली राउंड लेके चलाना है। इसको चला के देखने का मतलब ये है कि ये पिस्टन जो हम अभी लगाए हैं वो कहीं से जाम तो नहीं हो रहा है, ये जो हमारा
जो सिस्टम होता है, जो रॉड जिसमें फिट हुआ है, पिस्टन जिसमें लगा हुआ है, वो कहीं से जाम नहीं बोलना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, तभी ये पिस्टन आपका एक सही से काम करेगा। तो इसको आप जो है नॉर्मल चला के देखिए, उसके बाद जो है प्रीमिक्स डाल के आप चला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।